पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कुष्ठ रोग जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक हुसैन ने की, जबकि सीएमओ पुंछ डॉक्टर गुलाम अहमद मीर इसके मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कुष्ठ रोग जागरूकता सप्ताह मनाने के बारे में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि कुष्ठ रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि इसका इलाज संभव एवं सरल है। ऐसे में हमें कुष्ठ रोगी को समय पर उपचार के साथ सद्भाव एवं अपनापन दिखाने की जरूरत है। कई वर्ष पहले किसी को कुष्ठ रोग होने पर उसे घर गांव से बाहर कहीं दूर भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग कुछ ही महीनों में सही हो जाता है। वहीं उपस्थित लोगों को इस बात की भी जानकारी दी गई कि अगर किसी को भी शरीर पर कहीं कोई सफेद दाग है तो उसे तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफेद दाग आगे चलकर कुष्ठ रोग का रूप ले सकता है। Infection can lead to damage of the nerves, respiratory tract, skin and eyes. This nerve damage may result in a lack of ability to feel pain, which can lead to the loss of parts of a person from repeated injuries or infection due to unnoticed. An infected person may also experience muscle weakness and poor eyesightedness. Hansen, a new Norway scientist discovered Mycobacterium as the positive organism for leprosy, defined the heredity. He was born in Norway in 1841 in a Danish family. After acquiring his medical degree in 1866 from the University of Oslo in India, on the martyrdom day of Mahatma Gandhi, on January 30, remember his selfless efforts and care for the people affected by leprosy. The day aimed to make people aware of the real need to fight the infectious disease. On this day, a campaign named Sparsh Leprosy Awareness Campaign has been organized in all the Gram Sabhas, schools, ashrams, and madrasas, etc. Throughout the country, by the Central Leprosy Division of the Health Ministry. This day is celebrating on the death anniversary of the father of nation, Mahatma Gandhiji, who had compassion for people afflicted with leprosy. The theme of the World Leprosy Day 2021 is Beat Leprosy and Stigma and Educate for Mental Well-being, and it's a great honor for me to send a speech. Hope you listen me carefully. World Leprosy Day is observed on the last Sunday of January each year, established in 1954 by French philanthropist Raoul Fleuriot. It aimed to raise awareness about leprosy and teach people about this ancient disease and that it is curable today. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae, which is an acid-fast bacillus. It was first discovered by leprologist of Norway named Armer Hansen in the year 1860. और बिल्कुल उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कोई उनके पास आता जाता नहीं था। तो इस तरीके से वो लोग जो है, एक तो पहले ही उनको वो फोबिया, मतलब ये था, डर था कि भाई हम लेप्रोसी के पेशेंट हैं, और दूसरा जिस वक्त तो उनको ऊपर से साइकोलॉजिकली और दबाया जाता था, तो वो बिल्कुल बेचारे एक मजबूर होकर रह जाते थे और बड़ी मिजरेबल जो है वो ज़िंदगी वहाँ गुजारते थे। तो इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फिर गांधी जी ने मैसेज भेजा कि भाई इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे भेदभाव से रहो, इनको जो किसी सपोर्ट की जरूरत है वो करो। तो इसीलिए ये गांधी जी के साथ ही आज का ये दिन जुड़ा हुआ है। खैर, मैं अगर बात करूँ तो ये बड़ी लंबी हो जाएगी, तो हुए थे एक दरख्त के नीचे, और जब वो तकरीर उनकी ख़त्म हो गई तो उन्होंने देखा कि ये लोग साइड पर क्यों बैठे हैं। गांधी जी जब उनके पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे पास मत आइए, हम लेप्रोसी के पेशेंट हैं। लेकिन गांधी जी को उसके बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं चाहते थे और उनको पता भी था कि ये भी हमारी पार्ट ऑफ फैमिली है। तो उस दिन से जो है ये उन्होंने ठान लिया कि हमने इनको भी अपना जो है एक फैमिली का हिस्सा बनाना है। इसी तरह जब वो इंडिया में 1932 में आए, उस वक्त उनको जब आज़ादी की एजिटेशन चल रही थी, तो उसी वक्त जो है उन्हीं को नर्मदा जेल में जो है दिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर जो
उस वक्त के सुपरिटेंडेंट थे भंडारी जी, उन्होंने क्या किया कि जो बाकी के जो लीडर थे उन्होंने उनको अलग जो है वो रखा, और जो उनके साथ एक पुरथी शास्त्री जो थे, जो कि एक जो एक पुजारी भी थे और उसके बाद वेद के एक बहुत बड़े टीचर भी थे, उनको सेल में दे दिया। जब गांधी जी को ये मालूम हुआ तो उन्होंने क्या एक भूख हड़ताल कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दी, और तब तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी जब तक पुरथी शास्त्री को सेल से नहीं निकाला गया। उसके बाद जो है गांधी जी ने जब उनकी हालत आगे देखी तो डॉक्टर राजीव गांव के एक आदमी से उन्होंने रिव्यू किया, जो उस वक्त चीज़ें हैं जिसके लिए आदमी फटाफट अपना इलाज करवाता है, या तो दर्द हो तो फटाफट डॉक्टर के पास पहुंचेगा, या उसको खारिश लग रही है तो वो परेशान हो जाएगा और डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएगा और जल्दी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। लेकिन लेप्रासी में ये दो चीज़ें नहीं होती, ना तो खारिश लगती है ना ही दर्द होता है, और मरीज़ को पता ही नहीं चलता। ये तो वो इंसिडेंस होता है कि अपनी कोई और बीमारी लेके मरीज़ पहुँचता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब उसको चेक करता है तो उसको लगता है कि ये लेप्रासी का दाग हो सकता है, और फिर उसकी कंफर्मेशन करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। पहले ज़माने में एक ही दाग होती थी डेप्सोन, वो दिया करते थे, उसका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं था, और लेट स्टेज में जाके इन लोगों को डिफॉर्मिटीज़ हो जाती थी, जैसे हाथ उनका जो है वो काम नहीं करता, कभी वो आग के सामने बैठे हैं तो चूँकि इसमें सेंस नहीं रहती है, और बंदा जो है वो बिल्कुल आग के नज़दीक अपना हाथ करेगा और उसका हाथ जल भी सकता है, उसको पता ही नहीं चलता। सिमिलरली बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्फ़ में नंगे पांव चलते रहते थे, लोग कहते थे देखो इसमें कितनी हिम्मत है ये नंगे पांव चल रहा है, तो होता क्या था कि उनको सेंसेशन नहीं होती थी, उनको ठंड ही नहीं लगती थी, तो बर्फ़ में चलते रहते थे और उसके बाद उनके जो पांव हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी और डिफॉर्मिटीज़ हो जाती थी, और डिफॉर्मिटी से ही इन लोगों को अलग थलग कर देते थे, और एक सोशल स्टिग्मा था जिससे लोग डरते थे कि इनके साथ उठना बैठना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो गांधी जी ने आके इस चीज़ को ख़त्म कराया, उन्होंने कहा नहीं, इनके साथ उठने से कुछ नहीं होता है, उठने बैठने से, क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन। ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में मनाया गया, इसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और हमने एक किस्म का एक अवेयरनेस दिया है लोगों में कि लेप्रासी क्या होती है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और सबसे जो बड़ा मैसेज है जो उस वक्त गांधी जी ने हमें दिया और जिसको हमने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है वो ये है कि लेप्रासी के जो भी पेशेंट हैं उनके साथ जो है अच्छा सलूक किया जाए, अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाए, उनको साइकोलॉजिकली उनको मतलब उनको ये ठीक मतलब उनके साथ बिहेव किया जाए, और उनको ये बताया जाए कि भाई लेप्रासी के लिए इस वक्त हमारे पास 100% जो ट्रीटमेंट है वो मौजूद है, आप ये दवाई खाओ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उन पेशेंट्स के साथ हमें एक मदरली जो है एक ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से करनी चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि भाई आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।